नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और जोहार। मैं शादाब खान और बंटी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बंटी बजाएगा घंटी, लॉकडाउन 4.0 डे 9। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी कल की अपडेट्स दे दूं कि जैसा मैंने कल कहा कि कल की जो ईद थी वो बहुत बोरिंग थी और मेरा शुरू का सेकेंड हाफ तक का जो दिन था वो बहुत ही खराब गया। बट मैंने ये भी बताया था कि मुझे एक्साइटमेंट इस चीज की है कि मैं अपने इन-लॉज के घर जाने वाला हूँ। तो कल मैं शाम में अपने इन-लॉज के घर गया, वहां पे बहुत अच्छी एक फैमिली गैदरिंग जैसी हुई जिसमें मेरे ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ थे और वो भी थी मेरी आइटम। तो कल मेरी होने वाली मदर इन लॉ ने बहुत टेस्टी डिलीशियस जूसी बिरयानी बनाया था और मैं बता नहीं सकता हूँ, इट वॉज सो मच टेस्टी एंड इट वॉज सो मच गुड फॉर हेल्थ टू एंड आई गॉट सम प्रोटीन। तो थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी मेहमान नवाजी देने के लिए, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बस कल मैं 11 बजे रात में लौटा, बहुत मजा आया, काफी सुकून भरा दिन रहा, एक सेटिस्फाइंग दिन रहा। तो शुक्रिया कहना चाहूँगा सारे लोगों का जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रीटमेंट दी और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड रिलेशनशिप विथ माई फियांसी, सो इट वॉज वेरी मच गुड। और फिर जब मैंने आके कुछ फोटोज अपलोड किए तो मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि क्या भाई शादी वादी हो गई क्या। नहीं, शादी वादी अभी नहीं हुई है, आप लोगों की दुआ रही तो हो जाएगी जल्द। खैर, ये हुई मेरी कल की अपलोड की हुई बातों की कंटिन्यूस बातें। और आज मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कोरोना वायरस के बारे में झारखंड में, कि कल ही कोरोना के लगभग 20 मरीज पॉजिटिव पाए गए एक ही दिन में बोकारो जिले के आसपास। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि पहले तो खूंटी ग्रीन जोन में था, बट अब खूंटी ऑरेंज जोन में आ चुका है क्योंकि वहां पे भी कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल चुके हैं। तो प्लीज मेरे खूंटी के स्टूडेंट्स, मैंने आपको परसों कॉन्ग्रेचुलेट किया था, लेकिन अब मैं आपको कहूंगा कि बी सेफ, स्टे होम एंड स्टे सेफ, और अपना ख्याल रखो प्लीज आप सारे लोग। और दूसरी बात ये कि अब तक झारखंड में कोरोना के कम से कम 411 मरीज हो चुके हैं और सिर्फ साहेबगंज छोड़ के बाकी के सारे 23 डिस्ट्रिक्ट्स में अब कोरोना के मरीज हैं। तो ये काफी सैड न्यूज है। और एक खास बात कि पहले रांची रेड जोन थी और रांची में बहुत से कोरोना मरीज पाए जा रहे थे, लेकिन अब शहर से निकल के गांव तक पहुंच गई है कोरोना, क्योंकि बाहर से हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जब से वो बाहर से कोरोना प्रभावित क्षेत्रों से रांची आ रहे हैं तो रांची में कोरोना की संख्या उसी वजह से थोड़ी सी बढ़ रही है। वरना झारखंड रांची में थोड़ी सी कंट्रोल में थी ये चीज, कोरोना पैंडेमिक, हर जगह कोरोना लॉकडाउन सुन सुन के मेरे कान सड़ चुके हैं। खैर, मैं और एक चीज आपको बताता हूँ कि झारखंड में जो 30% मरीज हैं वो 10 दिनों के अंदर ही रिकवर होके बाहर आ जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अच्छी बात है कि हमारे झारखंड में लोगों की इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है और करीब 21% लोगों को ठीक होने में 15 दिनों से ज्यादा लग रही है। तो अब मैं कोरोना से बाहर निकलता हूँ और इससे भी बड़ी वायरस जो आज हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे देश में फैली हुई है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि एक और वायरस है जिसने अभी हाल फिलहाल जन्म लिया है, ये हिंदू मुस्लिम वाला वायरस। ये बहुत डेंजरस वायरस साबित हो रहा है। और मैंने एक्चुअली एक सलमान खान का गाना सुना जिसमें सलमान खान कुछ इस तरह से गा रहे थे, रमजान में है राम, दिवाली में है अली, मैसेज यही पहुंचाना है हमको गली गली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने भाई भाई। तो ये सॉन्ग्स निकल रहे हैं और हमें ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। और सलमान खान का ही मेरा एक फ्रेंड है एंड बाय रिलीजियस थॉट्स एंड बाय रिलीजियस बिलीव्स ही इज अ हिंदू, मैं वीडियो में नाम नहीं लेना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले उसने मुझे
एक्चुअली कुछ भद्दी भद्दी कुछ अजीब सी पोस्ट मुझे शेयर कर रहा था, तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि वो इस तरह की चीजों में पड़े। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर कोई मुस्लिम है और वो मुस्लिम बहुत करता है या कट्टरपंथी है तो वो कभी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आप हिंदू हैं और आप बहुत कट्टरपंथी हैं और आप सिर्फ हिंदू करते हैं, हिंदू राष्ट्र है ये वो लम सम, तो आप भी कभी सक्सेस नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी एक राज है, आप सिर्फ उसी सोसाइटी में उसी कुनबे में आप रह जाइएगा, आप उसके बाहर नहीं निकल पाइएगा, आप ग्लोबलाइज नहीं हो पाइएगा। कुछ लोग कहेंगे हाँ ठीक है भाई नहीं होंगे ग्लोबलाइज, तो ठीक है भाई, अब कीड़ों मकोड़े की तरह जन्मे थे, खाओ पियो मर जाओ भाई, ऊपर वाले ने हमें कुछ पैदा करने के लिए कुछ करने के लिए पैदा किया, ये चीज मत भूलना आप। क्यों? क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मैं एक एक्टर हूँ और बाय रिलीजियस बिलीफ मैं एक हिंदू हूँ, और अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, किसी फिल्म पे काम करता हूँ, उसका स्टार अगर कोई मुस्लिम है या डायरेक्टर अगर कोई मुस्लिम है और वो अगर मेरी फेसबुक पोस्ट या फिर मेरी जो आइडियोलॉजी है अगर वो देखे तो शायद वो मुझे इस वजह से काम ना दे, ये भी हो सकता है क्योंकि उसे लगे कि नहीं यार ये तो मेरे रिलीजन के खिलाफ बोलता है, और वाइस वर्सा, यानी इसके उलट मुस्लिमों पर भी यही लागू होता है। तो और एक चीज मैं देखता हूं कि आजकल ये कुछ लोग जो अंधभक्त वाले लोग हैं, पता नहीं किसके भक्त बन गए हैं, भगवान के बजाय किसी के भक्त बन गए हैं, तो मैं आप लोगों से ये बात मैं बताना चाहूंगा या फिर डिस्कस करना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो हैं, ठीक है, वो किसी काम के नहीं हैं, उनकी जिंदगी बिल्कुल ही बेकार है, और ये लोग मुस्लिम्स को टेररिस्ट, ठीक है भाई मैं टेररिस्ट लगता हूं आपको, अगर मैं टेररिस्ट होता तो यहां बैठ के वीडियो बना रहा होता या फिर कहीं पे ब्लास्ट करने की प्लानिंग बना रहा होता या फिर AK-47 चला रहा होता। ये नॉर्मल लोग, हम लोग जैसे नॉर्मल लोगों को टेररिस्ट बोलते हैं, टेररिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, मुल्ले, कट्टू, कटुए, हाँ, और लुल्ली कटा हुआ है। अरे मेरे भाई, यही लुल्ली कटे हुए बात की वजह से मैंने अपने दोस्त को ब्लॉक किया था भाई, तुम समझो, ठीक है भाई, किसी की लुल्ली कटी हुई होगी उसकी जनरेशन कैसे है कि भाई आदमी मर नहीं जाएगा अगर लुल्ली कटी हुई रहेगी तो। हाँ भाई, खतना को इनके दिमाग में यह है कि खतना मतलब लुल्ली कट जाना, तो भाई मैं आपको सिंपल बता देता हूं, खतना को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सर्कमसिजन कहते हैं। सर्कमसिजन डिमिनिशेस द रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द पेनिस एंड लोअर्स द रिस्क ऑफ द कैंसर ऑफ सर्विक्स इन सेक्सुअल पार्टनर्स। भाई देहाती लोगों, मैं तुमको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं कि खतना करने से कैंसर होने की चांसेस कम होती हैं, और जो आपके सेक्सुअल पार्टनर है यानी कि जो आपकी वाइफ है उसको बच्चे देने की कैंसर होने की संभावना कम होती है, और साथ में एड्स और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को होने की चांसेस को ये 8% तक कम करता है, 8% तक कम करता है। सॉरी अगर मैं फंबल कर गया तो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी भ्रांति फैली हुई है। खतना क्यों होता है? एक रिलीजियस और एक कल्चरल एक बिलीफ है, क्योंकि ये ऊपर जो प्रोस क्या बोल सकता हूं मैं, ऊपर की लुल्ली जो होती है, लुल्ली पे जो स्किन जो कवर होता है, उस स्किन को हटा दिया जाता है। उस स्किन को हटाने से होता क्या है कि पेशाब की जो बूंदे हैं वो इस जगह पे जो जमा हो जाती हैं, जो गंदगी जो फैलाती है वो गंदगी नहीं होती है। फॉर हाइजेनिक पर्पस इट इज डन। तो भैया मेरे समझ लो, तुम ना मुल्ला में दिख रहा हूं, क्या मैंने टोपी पहनी हुई है, क्या मैं आपको कुछ ऐसा कुछ करके दिखा रहा हूं कि अल्लाह हुए अकबर ऐसा कुछ करके दिखा रहा हूं, नहीं। तो भाई ना मैं मुल्ला हूं, ना मैं टेररिस्ट हूं, ना मेरी लुल्ली कटी हुई है, तो भाई ये सब बकवास बंद करो, ठीक है। और जो मुस्लिम्स भी हैं जो जिनके दिलों में हिंदूज के खिलाफ नफरत भर गई है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, ये कुछ लोगों के फैलाए हुए चोचले हैं। तो आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि भारत को, एक्चुअली भारत के तिरंगे में 3 कलर्स है, अगर आप ग्रीन कलर को हटाने को रेडी हो तब आप ये सब सोचो
कि आप मतलब सारे मुसलमानों को उठा के पाकिस्तान भेज दो या फिर सबको टेररिस्ट साबित कर दो या मेरे पे ही आप देशद्रोह का केस लगा दो क्योंकि मैंने सच बोला है। तो इस वायरस को अपने दिमाग से जल्द हटाइए क्योंकि ये COVID-19 वायरस से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आज मैं इसी बात पे इजाजत लेता हूँ और आज का दिन भी बहुत गर्म है तो मुझे गर्मी भी लग रही है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे अहेड। घंटी बजाएगा घंटी, जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर करें, अगर ट्रोल करने का मन करे इस वीडियो के बाद तो कमेंट भी करें। बाय बाय।